अज्ञात बदमाशों ने किसान के घर शस्त्रों के बल पर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर हुए रफू चक्कर। मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र दोलरा में देर रात अज्ञात बदमाश एक किसान के घर में सेंधमारी करते हुए लाखों रुपए के खर्च से रखे जेवरात लूटकर ले गए। पीड़ित किसान ने लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कर दी है। मुंडापांडे क्षेत्र के दोलरा निवासी नन्हे के परिवार पर देर रात अज्ञात बदमाशों का कहर बनकर टूटा है। दरअसल देर रात अज्ञात बदमाश घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात लूट कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि कल ही मैंने अपने जेवरातों का एक लाला से वजन कराया था और वजन कराकर मैंने वो जेवरात अपने घर रख दिए थे। बीती रात तीन बदमाश मेरे घर की दीवार कूद कर घर में घुस गए और घर में रखा 3 तोले सोना और 600 ग्राम चांदी लूट कर ले गए। लूट की शिकायत मुंडापांडे पुलिस ने दर्ज कर ली है। पीड़ित की माने तो चोरों ने उनके बेटे के सीने पर तमंचा व चाकू रख दिया और बोले, अगर तुमने हमें जेवरात नहीं दिए तो हम तुझे गोली मार देंगे। लेकिन अभी तक मुंडापांडे पुलिस किसी भी चोर को पकड़ नहीं पाई है। फुल्यानी, क्या हुआ रात आपके? रात वो आए है चोर थी, तो मेरे भैया का एक के बंदूक रख दी, एक के वो रख दी तलवार, तो उससे बुझ रहे ना चीज जेवर दे। हमें बाद में पीछे वाले ने उठाया ना, तेरे भैया को क्या हो गया? तो मैं बोली, मेरे भैया क्या करना चाह रहे हो ना, वो जेवर लिखनी। तो मैं बोली मैंने जेवर दो ना, भैंस ले दो। तो भैंस क्या करेंगे जेवर दे। मैं गई जेवर मन की, हर भैया से कुछ मत कही, भाई मीजा मार दो ना, तुझे क्या करेंगे ना, भैंस चाहिए हमें, जेवर चाहिए ना, तेरे भैया को मार दूँगा। तो मैंने जिद भैंस करते, मैं भैया कह रहा भैन है जी, चल तू दे दे, मेरी जान प्यारी है, तू ना जी वो जेवर प्यारा। तो मैं कही चलो जेवर ले जाओ, मेरे भैया को छोड़ दो। अच्छा, कितने लोग थे? तीन, दो दो एक बाहर रहा, दो अंदर है। अच्छा, जहाँ से कोई हाथापाई या कुछ हुआ आपके यहाँ घर पर आकर? कुछ भी नहीं। और कल जेवर तो तोला नहीं, जो चोर आए थे आपके यहाँ पर घुसे थे, उनके साथ कोई हाथापाई या कुछ ना, बदतमीजी कुछ करे ना? कुछ भी नहीं, तो उनको चले गए वो जब वो चोर, चोरों ने कुछ ना कहा, वो बंदूक रखी उनकी। हम ना कह रहे उनकी मीजा मार दो ना, हमसे तो कुछ कही नहीं बिल्कुल, तेरे भैया को मारा। अच्छा, आपने शिकायत की थाने में या चौकी में करी कहीं? मौके पर पुलिस आई? शिकायत तो न करी, मौके पर कोई पुलिस आई? आई तो फिर पुलिस वालों ने बुलाया। अच्छा, क्या कहती है क्या कही पुलिस? पुलिस तो क्या गई है ना जी, गड्डे पड्डे देख गई, वो देख गई। अच्छा, मिल जाओ तुम्हारा जेब। किधर होकर निकले मैल चोर? किधर को होकर मैल लाल कूद के मुंडी रात जो आपके घर चोरी हुई, क्या है पूरा मामला? हमारे देवर के यहाँ हुई, लड़की ने कही कह रही बुआ भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। तो मैं तो फाटक खोल कर भागी हूँ, तो उनका देवर का लोना थर थर कांप रहा है, रोबा पिटाई पड़ रही, हवेली भरी पड़ी। अच्छा, कितनी जेवर गया है आपके यहाँ से? हमारा जेवर गया 3 तोले सोना और चांदी, 1 किलो से कम है और आधा किलो से ज्यादा है। अच्छा, किस गाँव की घटना आई? कौन सा गाँव है? दौलरा। किस समय का टाइम होगा? 12:30 बजे। आपने इसकी शिकायत पुलिस में या कहीं थाने वाने में करी? हाँ, बुलाए वो पुलिस आई मुझे? हाँ, वो पुलिस भी आई और वो भी आए हैं, उन्होंने पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया सीओ साहब को। सीओ साहब भगवाना रख रख के देख के गए, हो लो देखा जिधर को कूदे वो देखा, उसकी वीडियो बनाई। कूदे किधर? कूदे ईश्वर को जीने की ओर कूदे हैं। जो आज जांच करने आप, क्या मामला है? ये दौलरा गांव में इन्होंने शिकायत करी थी कि रात में 3 बदमाश आए थे और इनके घर से कुछ सोने और चांदी के जेवरात ले गए हैं, उसमें मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर इसमें सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, ये भी बताया गया है कि तमंचे के बल पर लूट हुई? हाँ, इन्होंने बताया कि जो 3 बदमाश आए थे उनमें से एक के पास तमंचा था, एक के पास छुरी थी, जिसमें डरा धमका के इनके पास से ये सोने और चांदी के जेवरात दिए। तफ्तीश की जा रही, जो भी इसमें सर इसमें किसी को इसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाए। सर, इसमें किसी को शक के आधार पर उठाया भी गया है? अभी इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी इसमें तथ्यों के आधार पर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए।